बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइन होती है बेटा? इमेजिनरी लाइन होती है विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लोकेशन। तो किसी भी लोकेशन पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे हमारे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो किसी भी लोकेशन पर यदि हम किसको दिखाना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये हमारे पास क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इस जो है इसके चारों तरफ के लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ के, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज से। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव से। और कहाँ पर टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पे। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा? नेगेटिव की तरफ होगी। या हम कह सकते हैं नेगेटिव पे क्या करेंगे बेटा? टर्मिनेट करेंगे। और पॉजिटिव से क्या होंगी? ये स्टार्ट होंगी। तो इस तरीके से हम इसके डायरेक्शन को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं सरफेस ऑफ कंडक्टर पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उससे क्या होती हैं आपकी ये स्टार्ट होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर हमने लिया है एक प्लस क्यू चार्ज, सपोज यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इसके क्या होंगे बेटा? वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे क्या करेंगे? इससे बाहर निकलेंगे 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यदि हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री। इधर भी ये कितना एंगल होगा बेटा? 90 डिग्री। ये भी कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। एंड ये भी कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। और ये जो सरफेस है इसी को हम बोलते हैं बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और हम कह सकते हैं बेटा कोई भी सरफेस ऑफ कंडक्टर है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो बेटा डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो क्या बताएंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारे पास यहाँ पर सपोज एक प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पर लिया है तो इसके चारों तरफ क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे हमारे इसके चारों तरफ क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और ये 90 डिग्री से ही जो है इस सरफेस से बाहर निकलेगी। तो ये हर जगह एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। हर जगह एंगल कितना होगा यहाँ पर? 90 डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर होगी। तो ये सारी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यदि हम एरिया को फिक्स कर दें, मान लीजिए हमने जो है एक एरिया यहाँ पर कंसिडर किया है और इसका एरिया हमारे पास सपोज इस रिंग का एरिया है ए, और यदि मैं इस रिंग को यहाँ पर प्लेस करता हूँ सपोज एरिया सेम, तो इसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बेटा? 4, 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। और यदि मैं इसी रिंग को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी बेटा इसके थ्रू? या 1 या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके थ्रू पास आउट होगी। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा बेटा यदि हम लोकेशन को असाइन कर दें तो ये लोकेशन हम मान लेते हैं बेटा ए और ये लोकेशन मान लेते हैं बी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। तो ये क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसकी इंटेंसिटी को बताती है।
कि कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कहाँ पर कम है। जहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो हमने ये पढ़ा था बेटा, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या होंगी, टर्मिनेट होंगे। तो ये कभी भी जो है आपस में क्या नहीं करेंगे बेटा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी और इधर इसको क्रॉस करके निकल जाएगी, तो यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग है ये नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बेटा, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट होगा तो वो क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे क्या होगी बेटा, टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि हम इस पॉइंट पर बात करें ए, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, यहाँ पर इस साइड में होगी। यदि हम इस पॉइंट पर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसके हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और ये क्या हमारे पास, टेंजेंट है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अपनी लेंथ को क्या करना चाहती है बेटा, ऑलवेज कम करना चाहती है। जैसे हम बात करें, यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक और हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चाहेगी कि अपनी लेंथ को क्या करें, कम करें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपनी लेंथ को कम करना चाहेगी, यानी कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, अपनी लेंथ को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। वैसे हम यहाँ पर देखेंगे, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये भी क्या करना चाहिए बेटा, अपनी लेंथ को कम करना चाहिए। तो जब ये कम करना चाहेंगे तो इसी वजह से जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये किसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, टू फील्ड लाइंस रिपेल ट्रांसवर्सली, इसका मतलब ये है यदि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो दोनों ट्रांसवर्सली क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इधर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे ही हमारे पास ये क्या होंगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और सेम इसी तरह से इधर भी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब क्या है कि ये जो है ट्रांसवर्सली एक दूसरे को क्या करेगी, यहाँ पर रिपेल करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, यहाँ पर रिपेल, ये भी एक दूसरे को क्या करेगी, आपस में रिपेल करेगी। जब ये सारी लाइनें आपस में रिपेल करेंगी तो यहाँ पर जो है इनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और इसके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, जीरो। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट नहीं करेगी, तो इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से हम रिपल्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की शेप कैसी होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में शेप कैसी होगी, तो हम यहाँ पर लेते हैं बेटा एक पॉजिटिव चार्ज, यस, ये हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक और यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज, इधर हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। तो एक हमारे पास है बेटा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या लिया हमने यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी
आउटसाइड होंगे पहली बात तो, और इसके चारों तरफ जो है ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, रेडियल आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, रेडियल आउटवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा, रेडियल आउटवर्ड। और ये हमारे पास हमने क्या माना है बेटा, सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे बेटा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी रेडियली क्या होगी बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो नेगेटिव में क्या होगी डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद हम लेते हैं बेटा थर्ड, सपोज हमारे पास एक जो है लाइन चार्ज है, तो उसके केस में क्या होगा, यदि हमारे पास क्या है एक लाइन चार्ज, तो यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं एक लाइन चार्ज। तो ये हमारे पास एक लाइन है और इसके ऊपर जो है एक चार्ज जो है इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हर एक डायरेक्शन में जो है कुछ इस तरीके से क्या होंगे बेटा, स्प्रेड होंगे। यदि मैं इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू से आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यदि हम टॉप व्यू से इसको देखेंगे, मतलब ऊपर से इसको देखते हैं, तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ से दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये किसकी तरह होगी बेटा, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगा लाइक ए बोटल ब्रश, जैसे बोटल ब्रश होता है हमारे पास, बोटल ब्रश जो होता है उसकी तरह जो होगी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कुछ तरह से डायरेक्शन आपको दिखाई देगी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसके बाद हमारे पास है बेटा, ये हमने पढ़ लिया अभी लाइन चार्ज। फोर्थ हम यहाँ पर मानते हैं कि यदि हमारा जो चार्ज है वो एक सीट के ऊपर प्रेजेंट हो, है ना, तो एक सीट के ऊपर यदि चार्ज जो है प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लें बेटा एक सीट, और सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है सीट के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो यूनिफॉर्म या पैरेलल लाइंस यहाँ पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखाई देगी, और दोनों डायरेक्शन होंगी इधर भी और इधर भी। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एक और हम मान लेते हैं बेटा, सपोज हमारे पास जो है डाइपोल है, है ना, फिफ्थ हम मान लें बेटा डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, अभी आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। डाइपोल वो होता है जिसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो कुछ और लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड कुछ इस तरह से होंगी बेटा, थर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, और नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से होगी। तो ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होगी बेटा, टर्मिनेट, और पॉजिटिव से क्या होंगे यहाँ से शुरू होंगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बेटा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो डिस्टेंस जो हमारा बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उनके बीच में क्या होती है यहाँ पर रिपल्सन होती है, है ना, तो इसलिए डिस्टेंस जो हमारा ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास जो होगी किसके लिए, डाइपोल के लिए। ऐसे एक और हम समझ लेते हैं बेटा, यदि हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और दूसरा भी हमारे पास क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट तो होंगी लेकिन टर्मिनेट होंगी नहीं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ इस तरह से जो है हमें दिखाई देगी। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बेटा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो, और ये आपस में क्या कर रहे होंगे रिपेल, तो ये क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इट सोर्स, यदि वो क्या कर रही है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो अभी मैंने समझाया था यदि कोई चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो लेंथ है वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट, या अपने आप लेंथ को क्या करना चाहते हैं कम, तो ये किसको एक्सप्लेन करेगा अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज ए एंड बी इज शोन इन फिगर, ए और बी के लिए चार्ज हमारे पास यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो हमें बताना है बेटा विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव, सेकेंड है ए इज नेगेटिव बी इज पॉजिटिव, तो हमें ये पता बेटा ए जो है वो यहाँ से ए से क्या करें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो बाहर कहाँ से निकलती है बेटा पॉजिटिव से, तो ये तो कंफर्म हुआ ए हमारा क्या होगा पॉजिटिव। अब बी पे क्या हो रही है बेटा यहाँ पर एंटर कर रही है, तो यहाँ से क्या क्लियर होगा ये क्या होगा नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव रहेगा और बी नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव ये तो होगा नहीं बेटा, ए इज नेगेटिव ये भी नहीं होगा, बोथ आर पॉजिटिव ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ए पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एंड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, देखो यहाँ पर हमारे पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही हैं, ओके ठीक है बेटा, यहाँ से भी बाहर निकल रही है यहाँ से एंटर कर रही है, तो ये होगा ही नहीं गलत, तो इन तीनों में अब हम देख रहे हैं बेटा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमारी 90 डिग्री पे एग्जिट करती हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से ये 90 डिग्री पे एग्जिट नहीं कर रही, तो ये भी नहीं होगा अभी, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं ए एंड बी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज जब आइसोलेटेड जो स्पीयर है कंडक्टिंग इसके पास लेकर आएंगे बेटा, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर क्या होगा एक नेगेटिव चार्ज जो है इस इधर क्या हो जाएगा बेटा इंड्यूस हो जाएगा, और उतना ही इधर क्या होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है बेटा यहाँ पर टर्मिनेट, और इधर पॉजिटिव से क्या हो रही है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस केस में क्या होगा यहाँ पर देखो बेटा नेगेटिव है ये ठीक है नेगेटिव टर्मिनेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव पे क्या हो रही है यहाँ एंटर, तो ये भी गलत, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा।